हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं, ऐसे में ज़रूरी है हमें ऐसे प्रश्न को पढ़ना जो मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो फाइनली इस चैप्टर में जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है तुर्की और रूस के बीच, ऑप्शन बी में दिया गया है यूनान और पोलैंड के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया है तुर्की और हंगरी के बीच, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है पोलैंड और हंगरी के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी। आप सभी को बता दें कि सन 1829 ईस्वी की बात है जब एड्रियानोपल की संधि हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, 1829। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। आप सभी को बता दें कि कार्बोनरी संगठन के जो संस्थापक थे वो मेजनी को माना जाता है। इन्हों के द्वारा ही 1810 ईस्वी की बात है जब कार्बोनरी संगठन की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1810 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। आप सभी को मालूम होगा कि यूनान जो था ना, ये तुर्की देश का उपनिवेश था, यानी यूनान पर तुर्की देश का कब्जा था। लेकिन हिंद चीन में हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित होकर तमाम यूनानियों में भी स्वतंत्रता की भावनाओं का उदय हुआ और यूनान में रहने वाले तमाम नागरिकों में स्वतंत्र होने की भावना जाग उठी। उसके बाद में होना क्या था, तमाम यूनानियों ने तुर्की के खिलाफ बहुत ही बड़ी जंग छेड़ दी, बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जिसमें काफ़ी लोग तो मारे ही गए, लेकिन यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सन 1832 ईस्वी में तुर्की के द्वारा घोषित करना पड़ा। इस प्रकार से यूनान को सन 1832 ईस्वी की बात है जब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1832 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 हमारा कहता है चैटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं चैटिस्ट आंदोलन के बारे में। तो याद रखिएगा, चैटिस्ट जो आंदोलन है ये इंग्लैंड में हुआ था, वही इंग्लैंड जो हमारे देश को लगभग 200 वर्ष से ज़्यादा गुलाम बनाया था। तो यहीं पर सबसे पहले चैटिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हो गई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया है 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में। आप सभी को बता दें कि सन 1870 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी जो सेडान में हुआ था। इस युद्ध को सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को बता दें कि यही 1870 है जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि भी हो गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
वहीं पे एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पे मैंने पूछे जाते हैं कि इटली का एकीकरण कब हो गया था, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1870 ईस्वी में, उसी के एक वर्ष बाद 1871 ईस्वी की बात है जब इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 8 कहता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि हिटलर कहाँ का शासक था, तो याद रखिएगा हिटलर का जन्म इटली में हुआ था और ये जर्मनी का चांसलर बन गया था। उसके बाद मेजनी की बात करें तो मेजनी के द्वारा सन 1831 ईस्वी की बात है जब जर्मन राष्ट्रवादी जर्मनी में यंग यूरोप या यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 9 में कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। बहुत सारे बुक में इसका आंसर क्रांतिकारियों, तो कहीं पे विद्वानों, तो कहीं पे पादरी एवं सामंतों की दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। हालांकि हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था का नाम है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जर्मन राइन राज का जो निर्माण है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों आप सभी को बता दें गैरिबाल्डी ना ही एक सिपाही था, ना ही खेती गृहस्थी में काम करने वाला किसान था, ना ही जमींदार था, लेकिन गैरिबाल्डी का एक काम था वो तमाम नाविकों को, सभी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह में नाव से ले जाने का काम किया करता था। यही कारण है कि गैरिबाल्डी का पेशा नाविक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो दोस्तों यह एक नाविक था। उसके बाद में कहता है काउंट काबुर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि काउंट काबुर को विक्टर एमैनुअल ने फ्रांस प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं, यदि आप उसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था। यदि आप हिस्ट्री को पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था जो जब भी इटली या जर्मनी के एकीकरण की बात की जाती थी तो हमेशा उसमें जाकर अड़चन डाल देता था, हमेशा उसमें जाकर बाधा बन जाता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, ऑस्ट्रिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मेजनी का जो संबंध है ये कार्बोनरी संगठन से है। तो डाइट, फिलिप हेटारिया और लाल सेना बिल्कुल गलत हो जाएगा। मेजनी का जो संबंध है ये कार्बोनरी नामक संगठन से है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आप सभी को बता दें कि फ्रांस में कौन ऐसी शासन वंश की पुनर्स्थापना है जो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो ये होगा बुर्बो वंश। यहाँ पे क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जी, बुर्बो वंश। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और आप सभी को बता दें कि हम लोग जो महादेश के अंतर्गत आते हैं वो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महादेश जो है वो एशिया महादेश है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में कहता है सिरान का युद्ध किनके बीच हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने जाना कि फ्रांस एवं प्रशिया के बीच में होने वाला युद्ध सिरान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो सन 1870 ईस्वी में सिरान में ही लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 18 को देख लीजिए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, यानी वह कौन सा देश था जो हंगरी पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रिया एक ऐसा राष्ट्र था जो हंगरी पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था।
उसके बाद में कहता है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। दोस्तों पोलैंड में हो रहे विद्रोह को रशिया यानी रूस ने कुचल दिया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 20 क्या कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अभी अभी इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सन 1870 ईस्वी की बात है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था जिसे सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो सेडान नामक जगह पर लड़ा गया था। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो में केवल हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद केवल इसी चैप्टर से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन किए हैं। आगे आने वाली पाठ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पे हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और इस वीडियो को यदि आप पूरे शुरू से अंत तक देखते हैं ना तो जितने भी हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा सभी क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा और आप 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।